यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। घने जंगलों में दूर दूर तक अमावस्या के कारण अंधेरा तो था ही, मगर आज बादलों की ओट में छिपे हुए होने के कारण तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे गहरे अंधकार भरी रात में जंगल के बीचों बीच चार लोग एक हवन को अंजाम दे रहे थे। बार बार आहुति डालने पर जोरों से स्वाहा स्वाहा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उन चारों में एक शख्स बड़ी उम्र का था। उसके काले कपड़े, बड़े बड़े मनकों की माला, सिर पर त्रिपुंड और शरीर पर लगी हुई चिता की भस्म, उसकी लाल गुस्से से भरी हुई आंखों का अंदाज बता रहा था कि वो शख्स उन सब का मुखिया है। बाकी तीन लोग उसके इशारों पर काम कर रहे थे। ओम क्लेम भट स्वाहा, ओम क्लेम पिशाच स्वाहा, ओम क्लेम काले स्वाहा। इस जंगल में जल्द ही एक चमत्कार होगा। रात के 12 बज चुके हैं, अब शैतान को बलि देने का समय हो गया है। ये पांचवी बलि है, इसके बाद बस चार बलि और देते ही आसमां में अमावस्या के दिन चांद निकलेगा और मुझे सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जाओ जाओ और इस बलि को देने की तैयारी करो। तांत्रिक की बात सुनकर उसके तीनों चेले हवन में से उठकर बलि की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति ने उठकर चार मुंह वाले दिए लगाए, दूसरा बलि देने वाली जगह को एक खोपड़ी में रखे हुए खून से नहला रहा था, तीसरा व्यक्ति जो सेहतमंद था कुछ दूर पेड़ से बंधी महिला को खोलकर ले आया। हवन कुंड के पास जाकर तांत्रिक ने उसे खून का टीका लगाया और फिर एक झटके से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर खून का फव्वारा शैतान की मूर्ति को खून से स्नान करा रहा था। मेरे मालिक शैतानों के मसीहा, ये बलि स्वीकार करो और आने वाली अमावस्या को जान से रोशन कर दो ताकि मुझे सिद्धि मिल सके। सिद्धि, हाँ वही तो चाहिए मुझे। ठाकुर, तुम गड़े हुए धन के लालच में अपनी पत्नियों की बलि दे रहे हो, मगर शायद तुम्हें नहीं पता कि इन बलि से तुम्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा, बल्कि मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ, मैं अमर हो जाऊंगा। अगली सुबह हवेली बहुत अफरा तफरी का माहौल था। कल तक जहां पर शादी की चहल पहल थी, आज मरघट सा सन्नाटा था। सभी नौकर नई दुल्हन को ढूंढ रहे थे। लगता है छोटे ठाकुर के नसीब में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। उसकी पांचवी बार शादी करवाई मगर उसकी पत्नी फिर उसे छोड़कर चली गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जानना ही होगा। कारण क्या है बाबा साहब, वो तो हम नहीं जानते, मगर आप इतना समझ लीजिए, इतनी बड़ी रियासत के लिए यदि आपको वारिस चाहिए तो हमारी दोबारा शादी का प्रबंध करना ही होगा। अमावस्या के पहले हमें हर हाल में शादी करनी है। ये कैसी जिद है, तुम्हारी पत्नी को ढूंढना ही होगा। ऐसे कैसे तुम्हारी पांच पत्नियां गायब हो सकती हैं और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है शादी करना इतना आसान काम है? अब तो बाहर लोगों में बात होने लगी है, कोई हमारी हवेली को शापित कहता है कि हवेली नववधुओं को खा जाती है, तो कोई जादू टोने से जोड़कर देख रहा है कि हम लोग किसी जादू टोने के चक्कर में। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, अपनी बीवी से मतलब है। यदि आप हमारी शादी नहीं करा सकते तो मना कर दीजिए, हम खुद हमारे लिए दुल्हन ढूंढ लेंगे। बड़े ठाकुर को अपने मन की बात कहते हुए छोटे ठाकुर गुस्से में वहां से चले गए। हॉल में अकेले बड़े ठाकुर रह गए थे। पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ वो कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने अपने खास नौकर भोला राम को आवाज लगाई। भोला राम, ए भोला राम, कहाँ हो तुम? आया मालिक। मालिक के बच्चे, ये सब क्या हो रहा है, कुछ होश भी है? जैसे ही दुल्हन ने गृह प्रवेश किया था तुमसे कहा था ना कि मैंने हवेली के आसपास निगरानी बढ़ा देना, इस बार हमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, मगर फिर ये सब कैसे हो गया? मालिक, अब पूरी हवेली के चारों ओर और आसपास आधा किलोमीटर तक हमारे लोग निगरानी कर रहे थे ना, कोई हवेली के अंदर दाखिल हुआ और ना ही हवेली के कोई बाहर गया, सिर्फ
कहते हुए भोलाराम चुप हो गया। चुप क्यों हो गए? अपनी बात पूरी करो। सिर्फ कौन कौन गया था इस हवेली से बाहर? छोटे ठाकुर साहब अपनी कार लेकर बाहर निकले थे, मगर कुछ ही देर में वापस आ गए थे। शादी वाली रात को अपनी दुल्हन को छोड़ कौन ऐसे जाता है? तुम कह रहे हो वो अपनी पत्नी को छोड़कर हवेली से बाहर गया था, मगर उसी ने सब लोगों को बताया कि उसकी ये पत्नी भी सुहाग रात के पहले उसे छोड़कर चली गई। बोलते हुए बड़े ठाकुर अपनी जगह से खड़े हो गए और सोचने लगे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या उसके जाने के बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर गई, या फिर वो पहले ही घर छोड़कर चली गई थी और छोटे ठाकुर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले थे? क्या सोच रहे हैं मालिक, मेरे लिए कोई आदेश? अभी भी तुम अपने लिए आदेश पूछ रहे हो? जाओ जाकर नई दुल्हन की तलाश करो, कैसे भी हो उसे वापस लेकर हवेली में आओ, हमारी इज्जत का सवाल है। बड़े ठाकुर के कहने पर भोलाराम कुछ नौकरों को लेकर नई दुल्हन की तलाश में निकल जाता है। 8 दिन बाद भी दुल्हन का कोई पता नहीं चलता। बड़े ठाकुर उनके आदमी सभी दूर दूर तक उसे ढूंढ रहे थे, मगर उन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिला। क्या कहा? अरे छोटे ठाकुर की दुल्हन को आसमान खा गया या धरती निकल गई? मालिक, शहर गए हुए नौकर भी लौट कर आ गए, शहर में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े ठाकुर चिंता कर ही रहे थे कि अचानक सामने छोटे ठाकुर एक लड़की के साथ आ गए। लड़की ने घूंघट किया हुआ था, इसी कारण उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी वेशभूषा देखकर लग रहा था कि किसी गरीब घर की लड़की है जिसे बहला फुसला कर कुंवर साहब अपने साथ लेकर आए हैं। उन्हें इस तरह किसी लड़की के साथ देखकर बड़े ठाकुर हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। बाबा साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये आपकी होने वाली छोटी दुल्हन है मीनाक्षी, इस हवेली की नई मालकिन। भोलाराम, शादी की तैयारियां करो, 15 दिन बाद हमारी शादी है, तब तक ये हमारी हवेली में मेहमान की तरह ही रहेगी। भोलाराम, इन्हें उनका कमरा दिखाओ। अब क्या करना है मालिक, बताइए। करना क्या है, तुम्हें तो पता है कुंवर जिद के कितने पक्के हैं। वह शादी जरूर करेंगे, मगर इस बार शादी यहाँ नहीं होगी, शादी हमारी पुरानी हवेली में होगी, ताकि गांव वालों को इस शादी के बारे में कोई भनक ना लगे। जाओ जाओ जाकर वहां की साफ सफाई करवाओ। हवेली में बहुत ही तेज दम घुट जाए, इतनी बदबू आ रही थी। हवेली में जगह जगह बड़े बड़े जाल और धूल का अंबार था। बंद पड़ी हवेली में कुछ मरे हुए जीव जंतु भी निकले। बड़े मालिक को भी ना जाने क्या जचा कि सालों से बंद पड़ी हुई हवेली की साफ सफाई करवा रहे हैं। मरे हुए जानवरों की कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ। एक बात कहें मुनीम जी, ऐसे माहौल में कोई काम तो नहीं कर सकता है। हाँ, मगर काम तो करना ही होगा ना, वरना बड़े मालिक का गुस्सा जानते हो कि नहीं। भोलाराम नौकर से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक एक नौकर जोर से डरकर भागता हुआ है। बाहर कटा हुआ सिर था, कटा हुआ सिर, ऊपर के कमरे में किसी का कटा हुआ सिर है। क्या बकवास कर रहे हो, कटा हुआ सिर कोई जंगली जानवर देखा होगा। नहीं मुनीत जी, सच में ऊपर एक सिर है। नौकर के कहने पर सभी लोग डर जाते हैं, सब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो तभी लाइट चली जाती है। सभी टॉर्च की रोशनी में उस कमरे में पहुंचते हैं। वहां वे टॉर्च की रोशनी में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। 5 सिर हवा में घूम रहे थे, 5 सिर माथे पर ओढ़नी, बैंदा, बड़ी सी बिंदी और नाक में नथ। वे सिर जोर जोर से अट्टहास कर रहे थे। भोलाराम और नौकर डर कर पीछे हटने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। गेट खोलने की कोशिश करते हैं मगर गेट नहीं खुलता। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर हमें बदला लेने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? हम लोग कुंवर साहब की पत्नियां हैं, हमें मुक्ति चाहिए। कुंवर साहब की पत्नियां यहाँ कैसे? वो लोग तो उन्हें छोड़कर चली गई थी ना। हम लोग कुंवर साहब को छोड़कर नहीं गए थे, उन लोगों ने हमारी बलि चढ़वा दी। तांत्रिक के साथ मिलकर कुंवर साहब ने हमारी बलि दी है, हमारी आत्मा पटक रही है। वो फिर से शादी कर एक और मासूम को मौत के घाट उतार देगा। हम उसे ही खत्म कर देंगे। जब तक हम कुंवर साहब को मौत के घाट उतार देंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। दुष्ट तांत्रिक ने हम लोगों को यहाँ पर कैद कर रखा है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए कुंवर साहब को हम तक लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैंने ठाकुर साहब का नमक खाया है, उनके बेटे को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? कुंवर साहब की पत्नी होने के नाते
हम भी तुम्हारी मालकिन हुई तो हमारे प्रति भी तुम्हारे नमक का फर्ज है कि नहीं? तो उसे मेरे हवाले करो या फिर तुम मरने को तैयार हो जाओ। यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे तुम और ना ही तुम्हारे नौकर। भोला राम और नौकर उन लोगों से वहां जाने की गुजारिश करने लगते हैं। भोला राम कुंवर को वहां लाने का वादा कर वहां से निकल जाता है। वापस हवेली आकर सोचने लगता है कि वो अब किसी और की बलि चढ़ाने से कुंवर को कैसे रोके। भोला राम सोच में पड़ जाता है कि शादी के पहले क्या बहाना बनाकर छोटे ठाकुर को हवेली ले जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो मुस्कुराने लगता है। छोटे ठाकुर बहुत खुश है क्योंकि उनकी छठी शादी थी, बस 3 शादियां और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। वो मन ही मन बहुत खुश था। पर तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वहां पर एक नौकर खड़ा था। मालिक, गजब हो गया, होने वाली मालकिन वो कमरे से गायब है। गायब हो गई? शादी के पहले ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक, भोला राम जी ने उन्हें पुरानी हवेली की ओर जाते हुए देखा था। भोला राम जी उनके पीछे गए। पुरानी हवेली का नाम सुनकर ठाकुर के चेहरे का रंग सफेद हो गया, मगर आखिर बलि की बात थी इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वे पुरानी हवेली की ओर चले गए। भोला राम हवेली में खड़े मुस्कुरा रहे थे। मालकिन, मैंने आपके नमक का फर्ज अदा कर दिया है, आप अपना बदला ले लीजिए। कुंवर साहब जैसे ही हवेली में पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बहुत जोर जोर से कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। कुंवर साहब के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। मीनाक्षी, कहाँ हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दिन बाद हमारी शादी है और तुम हवेली छोड़कर यहाँ आ गई। तभी बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कना शुरू। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। छोटे ठाकुर जहाँ खड़े थे उनके आस पास उनकी 5 पत्नी के सिर मंडराने लगे। वो ये देखकर डर गए। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारी पत्नी हैं जिनकी तुमने बलि दी थी। अब हमारी बारी है बदला लेने की। तुम्हें कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगी मौत की सजा। कहते हुए 5 सिर अपने दांतों से ठाकुर का शरीर चबा रहे थे। ठाकुर के मरने के बाद ही तांत्रिक का तिलस्म टूट गया और वे लोग हवेली से आजाद हो गए। हवेली से आजाद होने के बाद 5ों का दुल्हन का लिबास पहने बिना सिर का धड़ शरीर तांत्रिक के पास जा पहुंचा और 5ों धड़ ने अपने बड़े बड़े नाखून से तांत्रिक और उसके चेलों का शरीर नोच खाया।